गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। टॉपिक्स जैसा कि आप देख रहे हैं, ये है टाइप्स ऑफ सॉइल्स इन इंडिया। भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे बहुत तरह के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम लोग पहले भी जान रहे हैं कि सॉइल हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, जो कि पूरे लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करता है। सारे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, बहुत सारे रेप्टाइल्स, छोटे छोटे जीव जंतुओं के लिए ये हैबिटेट का भी काम करता है। पेड़ पौधे यदि हैं तो ह्यूमन लाइफ या किसी भी तरह का लाइफ जो है वो अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट करता है। तो इस छोटी सी साधारण बात से हम समझ सकते हैं कि सॉइल कितना इम्पॉर्टेंट है। अब आइए हम लोग एक सॉइल के बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू पर विचार करते हैं। सॉइल प्रोफाइल पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था और वहाँ पे हमने देखा था कि डिफरेंट तरह के जो सॉइल्स होते हैं वो बेसिकली रॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा सॉइल जो है वो किस तरह का होगा, उसमें ह्यूमस का कंटेंट कितना होगा। ह्यूमस का मतलब जो हमारे लिविंग बींग, प्लांट्स, एनिमल्स के जो रिमेन्स होते हैं, उसको जब वायरस बैक्टीरिया डिकम्पोज कर देते हैं तो वो एक मटेरियल के रूप में चेंज हो जाता है और मिट्टी में मिल जाता है। इसे हम ह्यूमस बोलते हैं, जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को डिफाइन करता है। सॉइल की फर्टिलिटी बहुत हद तक इस ह्यूमस और उसमें पाए जाने वाले जो हमारे मिनरल्स होते हैं और अदर न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो भारत चूंकि बहुत बड़ा देश है तो इसमें यहाँ बहुत तरह के सॉइल्स मिलते हैं जिनके अलग अलग कंटेंट होते हैं और उनकी अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है। तो बेसिकली हमारे भारत के भीतर एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल और डेजर्ट सॉइल, ये सॉइल हमारे भारतवर्ष में पाई जाती है। एक एक करके इस सॉइल्स के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले हम आते हैं एलुवियल सॉइल के बारे में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है। नदियों के डिपोजिशन की वजह से इस तरह के सॉइल्स का निर्माण होता है। आप पढ़े होंगे पहाड़ी एरिया में नदी जो है वो काफ़ी तेज रफ्तार से बहती है स्लोप की वजह से। जैसे जैसे ये नदी प्लेन एरिया में आती है उसके स्पीड कम हो जाते हैं और स्पीड कम होने की वजह से उसके भीतर जो छोटे छोटे रॉ मटेरियल्स, टुकड़े, मिट्टी के कण, पहाड़ों के पत्थरों के इरोजन की वजह से जो मलबा उसके भीतर होता है, तलछट जो उसके भीतर में होता है, वो धीरे 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 नदी की रफ्तार कम होने की वजह से डिपोजिशन इनका होने लगता है। नदियाँ पहले उसको इरोजन में लाती हैं, इरोजन हुए मटेरियल्स को कैरी करती है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, और जब ये मैदानी एरिया में, प्लेन एरिया में बहने लगती है तो उसकी रफ्तार कम होती है और ये सब जो मटेरियल है वो सेटल डाउन होने लगते हैं। तो नदियों के डिपोजिशंस की वजह से जो सॉइल बनता है हाँ बहुत बहुत हाईली फर्टाइल होता है। गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्रा का मैदान जो हम लोग इंडिया में पढ़ते हैं, गंगेटिक प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन, जो कि पूरे भारतवर्ष के लिए अनाज उत्पादन करने में, कृषि कार्य करने में, हमारी रूरल इकोनॉमी को मेंटेन करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। तो एलुवियल सॉइल नदियों के डिपोजिशन से बनता है, बहुत उपजाऊ फर्टाइल होता है और डेल्टा वगैरह के क्षेत्र में नदियाँ का, जब नदी समुद्र में मिलने की कगार पे होती है तो उस क्षेत्र को डेल्टा बोलते हैं और वहाँ आसपास जो मिट्टी का डिपोजिशंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलुवियल सॉइल। हमारे उत्तर प्रदेश के भीतर, बिहार के भीतर, वेस्ट बंगाल के भीतर, नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो आसाम वैली है, वहाँ पे एलुवियल सॉइल बहुत बड़ी मात्रा में पाई जाती है। गेहूँ की खेती के लिए, चावल की खेती के लिए, धान के लिए, विभिन्न तरह की सब्जियों के लिए ये सॉइल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये हुआ एलुवियल सॉइल। अब आते हैं ब्लैक सॉइल के ऊपर में। ब्लैक सॉइल क्या होता है? जैसा कि आप नाम से जानते हैं ये काले रंग का होता है और वॉल्केनिक रॉक्स के इरोजन की वजह से ये ब्लैक सॉइल बनता है। महाराष्ट्र को इमेजिन करिए, मध्य प्रदेश को इमेजिन करिए, वहाँ पर ब्लैक सॉइल मिलती है और ये जो सॉइल है ये भी बहुत फर्टाइल होती है और ख़ास करके शुगर केन और कॉटन की खेती के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट मानी जाती है। वहाँ पे ये दोनों तरह की जो खेती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। तो इसको कॉटन बेल्ट के नाम से भी हम लोग महाराष्ट्र को जानते हैं, वहाँ कॉटन की खेती बहुत बड़े पैमाने पे होती है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बहुत सपोर्ट करती है और रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं रेड सॉइल। रेड सॉइल का मतलब ये मिट्टी देखने में थोड़ी लाल रंग की होती है। इसका कारण ये होता है इसमें अदर न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन आयरन का कंटेंट जो है उसमें बहुत ज़्यादा होता है और इस तरह के सॉइल को, रेड सॉइल को हम लोग थोड़ा बेटर बना सकते हैं, फर्टाइल बना सकते हैं, इसमें मैन्योर और
केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके। यहाँ भी खेती होती है, उड़ीसा के आसपास आप जाएंगे, मयूरभंज एरिया है, संभलपुर एरिया है झारखंड के भीतर, तो ये सब जो एरिया है वहाँ पे ये रेड सॉइल मिलता है। और रेड सॉइल के लाल होने का मुख्य कारण यही होता है कि इसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अदर एग्रीकल्चरल इनपुट यानी इसमें हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर लें, कंपोस्ट का इस्तेमाल कर लें, इसके भीतर हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर लें, तो इस तरह से इसकी फर्टिलिटी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। लेटराइट सॉइल क्या होता है? हेवी रेनफॉल जहाँ पे होता है वहाँ पे जो सॉइल का टॉप पोर्शन होता है, ऊपरी पोर्शन, वो वाशआउट हो जाता है, और वाशआउट हो जाने की वजह से उसकी ऊपरी परत निकल के बाहर हो जाया करती है, और फिर जो मिट्टी बचती है उसको हम बोलते हैं लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल जो है वो हमारा वेस्टर्न घाट में पाया जाता है, जो पहाड़ों पे स्लोप होता है उन सब जगहों पे इस तरह का लेटेराइट सॉइल देखने को मिलता है, क्योंकि बारिश का पानी पहाड़ों पे बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है, और नीचे गिरने की वजह से जो है मिट्टी की ऊपरी परत वाशआउट हो जाती है, तो इस तरह की मिट्टी को हम लोग बोलते हैं लेटेराइट सॉइल। इस तरह का जो सॉइल होता है वो पास्चर्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, और ये छोटे छोटे सर्व्स को सपोर्ट करता है। बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे यहाँ नहीं होते हैं, लेकिन जानवरों के खाने के लिए जो चारा वगैरह या हरियाली का जो हमें ज़रूरत पड़ता है उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए लेटेराइट सॉइल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। भारत में बहुत सारे पहाड़ भी पाए जाते हैं, पहाड़ों के ऊपर जो मिट्टी मिला करती है उस मिट्टी को हम लोग बोलते हैं माउंटेन सॉइल। नाम से ही स्पष्ट है, माउंटेन एरिया में मिलने वाले सॉइल्स को हम लोग बोलते हैं माउंटेन सॉइल। वहाँ पे स्लोप बना के लोग खेती करते हैं, टेरेस फार्मिंग करते हैं, और ये फार्मिंग जो है वो चाय की खेती के लिए बेहतरीन मानी जाती है। तो नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है, आसाम का एरिया हो, मेघालय का एरिया हो, गारो खासी जयंतिया ये सब पहाड़ियाँ हो, या दक्षिण में आप जाएंगे वेस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ पे चाय की खेती बहुत ज़बरदस्त पैमाने पे होती है साउथ इंडिया के भीतर, तो वहाँ पे जो सॉइल है वो है हमारा माउंटेन सॉइल। आगे बढ़ते हैं डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल क्या है? भारत में थार डेजर्ट है, राजस्थान का एरिया है, वहाँ की मिट्टी में वाटर कंटेंट बहुत कम है, वेजिटेशन बहुत कम होता है, प्लांटेशन बहुत कम होता है, सैंड पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं। ये जो मिट्टी होती है ये खनिज पदार्थों से भरपूर होती है, और आप इसमें देखेंगे तो इसमें सॉल्युबल सॉल्ट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, सॉल्ट्स इसमें बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसमें इरिगेशन सिस्टम यदि हमारे पास स्ट्रांग है, नहरों का जाल बिछा हुआ है, पानी यदि अवेलेबल है, क्योंकि इनमें वाटर कंटेंट ना के बराबर होता है, तो इनको खेती के लिए बेहतर बनाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, एग्रीकल्चरल आउटपुट के लिए हमें यहाँ पे इरिगेशन ही एकमात्र सहारा बसता है। तो इरिगेशन सिस्टम को बेहतर हम यदि बना पाते हैं तो डेजर्ट सॉइल को भी हम फर्टाइल सॉइल में थोड़ा सा कन्वर्ट कर पाते हैं और खेती होती है। इंदिरा गांधी कैनल जो कि राजस्थान के भीतर बनाया गया, नहरों का जाल बिछाया गया, और इस वजह से आज के डेट में हम यदि देखेंगे तो डेजर्ट एरिया में, राजस्थान के एरिया में भी ज्वार, बाजरा, मकई, राई, इस तरह की खेती अच्छे पैमाने पे हो रही है। तो कुल मिला जुलाकर हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जहाँ तक टाइप्स ऑफ सॉइल्स की बात है, भारत के भीतर अलूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटेराइट सॉइल, माउंटेन सॉइल, डेजर्ट सॉइल, ये इस तरह की मिट्टी पाई जाती है जो अलग अलग एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है। अब एक महत्वपूर्ण बात आपको ये समझ लेनी है, हमारे देश में सॉइल को यदि हम ब्रॉडली डिवाइड करें तो दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक उपजाऊ जमीन जो है, उपजाऊ मिट्टी जो है, फर्टाइल सॉइल जो है उसको हम लोग बोलते हैं उर्वरा, और दूसरी वो मिट्टी जो फर्टाइल नहीं है, एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं करती है, बेहतरीन एग्रीकल्चरल आउटपुट नहीं दे पाती है, ऐसी मिट्टी को हम लोग ऊसरा बोलते हैं। बोलचाल की भाषा में कहीं कहीं पर इसको ऊसर भी बोलते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ सॉइल का क्लासिफिकेशन है। लाइक अदर नेचुरल रिसोर्स, सॉइल जो है वो भी हमारा एक महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्स है, और इसे भी प्रोटेक्ट करना, बचाना, कंजर्व करना हमारी जिम्मेदारी है। अगले क्लास के भीतर हम ये पढ़ेंगे कि सॉइल इरोजन कैसे होता है, सॉइल इरोजन के अपने कारण हैं, उसके क्या क्या कारण है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और सॉइल इरोजन से क्या होता है कि टॉप सॉइल जो है मिट्टी का खराब हो जाता है, और इसके कुछ कारण और फैक्टर भी जिम्मेदार हैं, इन चीज़ों के बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।